हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं अरमान भाई उनके फैमिली से मिलने आया था, तो इनके डॉग जिमी के लिए मैं कुछ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया था। तो मुझे लगा कि चलो अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाया जाए क्या क्या आपको दवाइयाँ अपने घर पे रखनी चाहिए, क्योंकि रात बिरात कभी कभी पेट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स होगा, एटलीस्ट आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। जब तक आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, वेट के पास जाते हो, तब तक आप थोड़ा सा उसको फर्स्ट एड दे पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी मैं दवाइयाँ एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप एक बारी आप भी देखना क्या क्या इसमें चलता है सब कुछ। तो एक्चुअली जो कॉमन डिजीज़ क्या होती है डॉग्स के अंदर, सबसे 60% केसेस स्किन प्रॉब्लम के होते हैं डॉग्स के अंदर। 20-30% थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, वॉमिट कर रहा है बच्चा या कोई लूज मोशन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें, थोड़ा सा फीवर वाला जैसे प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ों की मैं आपको दवाई देके जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले ऊपर तो यार ये हमने एक वो है टिक्स के लिए है, ये फ्रंटलाइन, ये स्पॉट ऑन टाइप है चीज़, ये पेट के ऊपर बैकबोन पे लगाते हैं जिससे टिक्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे डॉग के। मैं भी इसको लगा ही दूंगा, ये तो मैं करके चला जाऊंगा, तो ये अपने आप बॉडी पे पूरा हो जाता है और उससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और चलते फिरते पेट्स को थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चोट लगती रहती है, उसके लिए पाउडर है, न्यूस्पोरिन पाउडर। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया, ये इतना मार्वेलस रिजल्ट है इस पाउडर के, कहीं पर भी जख्म हो जाए कुछ हो जाए, थोड़ा सा लगाओ नेक्स्ट डे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वही माइक्रोपोर टेप बैंडेज, ये तो चलो आपको सबको पता ही है क्या होता है। ये इसको हमने क्लिक किया और इसको दो तीन जगह स्पॉट ऑन कर दो। नो 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 नो, तो इसकी खुशबू से भाग जाएंगे। नहीं, ये अपने आप ना बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। इनके ना स्किन के अंदर स्पेशियस ग्लैंड होते हैं जिसमें चला जाता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर टाइप बन जाती है। टिक्स के अंदर आप डॉग को टिक्स के अंदर भी बिठा दोगे तब भी इसके ऊपर नहीं लग पाएंगे। इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा, पहले वाले जितने भी जो एंटी टिक आते थे रेजेंट, वो सारे ना पॉइजन टाइप हुआ करते थे, पेस्टिसाइड टाइप सब टाइप होते थे कि जैसे डाला तो वो टिक्स मर जाते थे। इसको भी दिक्कत होती थी। हाँ, उसमें ये होता है कि डॉग ने लिक कर लिया, कुछ कर लिया, उससे पेट। अब ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट मैकेनिज्म है इसका। ये सेबेशियस ग्लैंड में जाएगा और एक लेयर बना देगा। इसकी 3 मंथ तक वैलिडिटी रहती है, तो जो इनकी पैकिंग भी आती है वो 4 की आती है, 3 मंथ के बाद इसको रिपीट करते हैं। ठीक, तो अब लग गया, तो 3 महीने की छुट्टी हो गई, अब टिक्स नहीं पड़ेंगे इसको। गाइस, ये नेक्स्ट जो सा है ये डिजिटल थर्मामीटर है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे पेट के लिए। आपने देखा होगा रेक्टल टेम्परेचर देखते होते हैं डॉग, 101 से 102 नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। 0.5 का हम वो रख लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, जब ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो 102.5 तक भी नॉर्मल होता है, ज़्यादा ठंड है तो 101 से थोड़ा सा कम हो वो भी नॉर्मल माना जाता है। तो अगर मान लो डॉग को आपने टेम्परेचर चेक किया, फीवर निकलता है, तो उसके लिए ये टैबलेट है मेलोक्सिकैम, ये आपने जैसे छोटा बेबी है उसको 1/4 टैबलेट देनी है। 20 kg बॉडी वेट के लिए एक टैबलेट होती है, तो अपना बेबी छोटा सा है उसको तो 1/4 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग दे दो, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम हमारे को भी सिर दर्द हो रहा होता है या कोई बीमार होते हैं, कई बार हम पैरासीटामोल की टैबलेट लेते हैं उसी से ठीक हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो नॉन इन्फेक्शियस फीवर होता है, जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, जस्ट एक एग्जर्शन की वजह से है, वो जो छोटी मोटी चीज़ है वो इसी से ठीक हो जाएगी। साथ में कुछ और सिम्टम आ रहे हैं, कोई लूज मोशन हो रहे हैं या जैसे नेजल डिस्चार्ज हो रहा है या कुछ भी है, तो साथ में एक एंटीबायोटिक दे देते हैं। ये ऑगमेंटिंग बहुत अच्छी मार्वलस है इसके रिजल्ट। तो इसमें ये एक्चुअली इसका क्या चक्कर है कि ये उस टाइम बनानी पड़ती है जिस टाइम आपने यूज़ करनी है, उस टाइम बनानी है, इसमें पानी डालना पड़ता है। ये बच्चों को देते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे हम बच्चों को कभी कभी ऐसे मिक्स करते हैं, ये एंटीबायोटिक है ना, तो बच्चे ही होते हैं डॉग, बिल्कुल सारी वही चीजें होती है, बच्चों को भी वॉमिटिंग और लूज मोशंस रहते हैं, उनको भी ऐसे ही रहते हैं। तो ये साथ में एंटीबायोटिक तब देते हैं जब कहीं पर पस आपको दिखाई दे रही है या कोई नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, स्नीजिंग ज़्यादा कर रहा हो, तब ये डालनी है। तो अपने बेबी के लिए 3 ml मॉर्निंग इवनिंग चल रही है, बिल्कुल। तो साथ में ये वाले ड्रॉप्स हैं, ये पेरिनोम के ड्रॉप्स हैं, ये बेसिकली वॉमिटिंग के लिए होती है, तो इसका SOS रहता है। ये 4 hourly रिपीट करते हैं, जैसे ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है 6 hourly कर दो, 8 hourly कर लो, जैसी सिचुएशन हो, तो इसमें ड्रॉपर ही होता है, तो ये 1 ml 6 hourly रिपीट कर दो अगर वॉमिटिंग हो रही है। तो ये हो गया वॉमिटिंग से रिलेटेड। एक ये बेटनोवेट एंड क्रीम है, जहाँ पर कहीं पर ब्लीडिंग टाइप हो रखी है वहाँ तो ये पाउडर यूज़ करना है, कहीं पर रैश हो जाता है ना चलते चलते, कहीं पर खरोच आ गई, ठीक है ना, वहाँ पर ये चलती है बेटनोवेट एंड क्रीम, ये भी बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट जो सा है ये पॉलीबियन का सिरप, ये बेसिकली कभी लिम्पिंग कर रहा हो डॉग,
टांग उठा के चल रहा हो या कहीं पर थका थका महसूस कर रहा हो, तो ये सॉर्ट ऑफ ताकत की दवाई है बेसिकली. और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है. आप मल्टीविटामिन है छोटो इसमें, जैसे डॉग को दो तो आपको मतलब एक्टिव सा लगेगा बच्चा बिल्कुल. इसके अलावा एक स्पेसिफिकली लूज मोशन की भी दवाई है, मेट्रोजेल की टेबलेट होती है, तो इसकी 1/8 देनी है बेसिकली बिकॉज ऑफ साइज. हाँ, छोटा बच्चा है तो 8वां हिस्सा देना है इस गोली का. और एक ये टस्क्यू डीएस, ये लास्ट दवाई है बेसिकली, ये कफ के लिए. जब इस टाइम ना बहुत ज़्यादा कैनल कफ के केसेज आ रहे हैं, लोग खांसी करते रहते हैं और करते रहते हैं, उस टाइप का हो तो 2-2 ml दिन में 3 बार दो. ये ऑलमोस्ट मैंने सारी डिसीज़ कवर कर दी है. एक ये 2 एंटीबायोटिक हैं, ये ऑप्शनल है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम कम्युनिकेट करके वो कर देंगे. डॉक्सीसाइक्लिन होती है वो बेसिकली ना, जो डॉग को जैसे बीमार होते हैं बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक तो सीजनल फीवर हो जाता है, उसमें तो जनरल एंटीबायोटिक वर्क करती है. कभी कभी डॉग्स के अंदर ना टिक फीवर टाइप ही हो जाता है, बड़ा कॉमन आ रहा है, मतलब 10 में से 3 केस टिक फीवर के आ रहे हैं हमारे पास. जैसे हमारे को डेंगू बुखार होते हैं ना लोगों को, स्टेरलर डिसीज डॉग्स के अंदर टिक फीवर है, उसमें ये डॉक्सीसाइक्लिन चलती है. रेयर केस में यूज़ होती है, 10 में से 2-3 केस में होती है, तो हमारे को ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं. तो ये जो फर्स्ट एड किट है, ये आप मतलब सभी को सजेस्ट करते हो, अगर कोई भी एक डॉग लवर है उसके घर में ये दवाइयाँ हो. और एक और बात है, एक मैं एक और अपने सब्सक्राइबर को बात बोलना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट एड है ना, वो फर्स्ट एड तक ही रखना है, इसको अल्टीमेट ट्रीटमेंट मत समझना. ऐसे ना हो कि आप मतलब डॉग को 2-3 डोज दोगे, आपको रिस्पॉन्स पता लग जाएगा और जो ठीक होने वाला केस है वो इससे ठीक हो भी जाएगा. 80% डॉग रिस्पॉन्ड करेंगे ये सारी चीज़ों को, जो 20% रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसको वेट को दिखाओ. अगर इस पर नहीं होगा तो फिर इंजेक्टेबल पर.